नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। मेरा नाम है नितिन और आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है रीजनिंग ब्रह्मास्त्र सेशन का अगला पार्ट, यानी कि अरेंजमेंट और सीक्वेंस। इसे हम हिंदी में यह भी कह सकते हैं कि व्यवस्था करना, या इसका एक नाम जो और चलता है उसे हम कहते हैं व्यवस्थीकरण। ठीक है, अमूमन बच्चों को क्या लगता है कि अरेंजमेंट करना यानी कि सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाना, नहीं, व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करने में सारी चीजें आपकी गिना जाती है। सिटिंग अरेंजमेंट भी एक तरह की व्यवस्था करना ही है। सीक्वेंस और ऑर्डर, यानी कि अगर मैं बोल दूं इस तरीके की कोई चीज कि यार देखिए, कुछ छात्र हैं उनको उनकी हाइट के हिसाब से, उनकी ऊंचाई के हिसाब से, उनके वजन के हिसाब से छांटा जा रहा है या अरेंज किया जा रहा है या व्यवस्थित करा जा रहा है, तो वो भी एक तरह की व्यवस्थीकरण ही है। मैंने अगर कह दिया कि कुछ किताबें पढ़ी हैं किसी लाइब्रेरी के एक शेल्फ में, तो उसकी भी व्यवस्था करने को हम क्या बोलेंगे? व्यवस्थीकरण। अगर हम एक शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं सारी चीज काफी व्यवस्थित तरीके से पड़ी रहती है। चिप्स के सेगमेंट में आपको सिर्फ चिप्स मिलेगी, है ना? इसी तरीके से चॉकलेट के सेक्शन में आपको सिर्फ चॉकलेट मिलेगी, खेलने कूदने की जगह में सिर्फ खेलने कूदने के सामान मिलेंगे। तो इस तरीके से तो कोई भी चीज को आप व्यवस्थित कर रहे हैं तो वह व्यवस्थीकरण में आ जाता है, भले वो वस्तु हो या कोई इंसान हो जिसको आप बैठा रहे हो। तो ये सारी चीजें व्यवस्थीकरण के अंदर, यानी कि ऑर्डर, सीक्वेंस और अरेंजमेंट के अंदर आ जाती हैं। अब ध्यान से देखिए, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और इसका एक पार्ट नहीं आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके मैं दो पार्ट कम से कम लेके आऊंगा। आज जो आप देख रहे हैं ये पार्ट वन रहेगा। ये क्या रहेगा? पार्ट वन रहेगा। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, खास करके पिछले कुछ साल में, दो साल में आप सी साइड में देखेंगे, ठीक है, भले वो आपका CGPSC करे या MPPSC करे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं जस्ट एक आपको झांकी दिखाना चाहूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ठीक, चेक करिएगा। ये भी देखिए आपका CSET में आ गया 2022। सिर्फ ये CSET 2022 में ही आए हुए क्वेश्चन है, देख लीजिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये फिर आ गया CSET 2022, फिर आ गया CSET 2022, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन तो देखिए आपके सिर्फ CSET में ही आ गए हैं, वो भी पिछले साल। तो इसीलिए इसके दो पार्ट लेके आए जाएंगे, सो दैट आपकी मदद हो, आपको समझना है कि टॉपिक बड़ा आसान है, सरल सा है, और कैसे हम इसको जल्द से जल्द काम कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्योंकि पता है कि CSET क्वालिफाई अगर हमें अच्छे से करना है तो हमारी रीजनिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, और ये टॉपिक अगर उसमें बहुत बार पूछा जा रहा है और काफी बार आए हैं इसके सवाल, तो इसे हमें जल्द से जल्द अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट वही करूंगा कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को देखें पहले हम पॉज कर लें, उस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करें, बन जाए तो भी अच्छा है, नहीं बने तो एक बार जरूर सॉल्यूशन को तबा के चेक करें। चलिए क्वेश्चन को जिस तरीके से है, 6 लोग, सुमित, राहुल, सुषमा, प्रिया, प्रीतम और खुश, ठीक, सुमित, राहुल, सुषमा, प्रिया, प्रीतम, खुशी, ये 6 लोग हैं। ठीक, अब आप देखिए, थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर है इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में लिख दूं, क्योंकि अमूमन जो जनता जुड़ती है वो हिंदी मीडियम से आती है, तो इसीलिए मैं हिंदी में लेके आ रहा हूँ। इंग्लिश में लेके आऊंगा तो जगह उतनी बचेगी नहीं जितना मैं यहाँ पे फिर सॉल्व करने के लिए हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करते हैं हम हिंदी में लेके, बाकी मेरी एक्सप्लेनेशन बायलिंगुअल रहती है, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों को समझने आनी चाहिए। चलिए आइए, तो 6 लोग हैं, ये कब से कब पैदा हो रहे हैं? 1995 से लेके सन 2000 में ये सारे 6 लोग अलग अलग साल में एक एक करके पैदा हुए, यानी कि कोई 95 में पैदा हुआ है, कोई 96 में, कोई 97 में, कोई 98 में, कोई 99 में, और कोई सन 2000 में, यानी कि ईयर 2000। ठीक है, तो ये 6 साल में 6 अलग अलग जन ये सब पैदा हुए हों। ठीक है, अब क्या क्या जानकारी दी गई है देखिए, उसको जल्दी जल्दी फिक्स करते हैं। प्रीतम का जन्म एक विषम वर्ष में हुआ, यानी कि प्रीतम या तो 95, 97 या 99 में से किसी एक में पैदा हुआ होगा, ऑड ईयर में। ठीक, प्रिया और प्रीतम के बीच 2 लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, प्रिया और प्रीतम के बीच में 2 लोग, यानी कि अगर प्रिया ऐसे हैं तो प्रीतम ऐसा भी हो सकता है, इनके बीच में 2 जन है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रीतम ऊपर हो और यहाँ पे प्रिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है, इनके बीच में बहरहाल 2 जन रहेंगे जो पैदा हुए होंगे। ठीक है, प्रिया और प्रीतम के बीच 2 लोगों का जन्म। सुमित का जन्म प्रीतम से पहले लेकिन सुषमा के बाद हुआ। ठीक है, सुमित का जन्म प्रीतम से पहले लेकिन सुषमा के बाद हुआ। राहुल का जन्म एक सम वर्ष में, यानी कि इवन वर्ष में हुआ है, इवन वर्ष में नहीं हुआ है। ठीक है, राहुल का जन्म एक इवन वर्ष में नहीं हुआ, यानी कि ऑड वर्ष में हुआ। और प्रिया सबसे छोटी है,
देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एकदम आखिरी आखिरी में लिखी है कि प्रिया सबसे छोटी, प्रिया सबसे छोटी है यानी कि सबसे आखिर में पैदा हुई होंगी, यानी कि सन 2000 में पैदा हुई होंगी, इसीलिए सबसे छोटी है। यहाँ आ गई प्रिया। अब प्रिया से रिलेटेड जो जानकारी थी वो ये थी, प्रिया और प्रीतम के बीच दो लोगों का जन्म हुआ। यहाँ प्रिया है, यहाँ पे एक जन, यहाँ दो जन, इन दोनों का जन्म यहाँ हुआ होगा और 97 में आके कहीं ना कहीं प्रीतम का जन्म होगा, तभी हम कह पाएंगे देखिए प्रीतम और प्रिया के बीच में दो जन और हैं 98 और 99 वाले। बहरहाल हमें प्रीतम के लिए ये भी लिखा गया था कि एक विषम वर्ष में, यानी कि 97 एक विषम वर्ष है, तो अभी तक आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब सारी जानकारी एक दूसरे से रिलेटेड रहेगी। सुमित का जन्म प्रीतम से पहले लेकिन सुषमा के बाद हुआ था, तो सुमित जो है वह प्रीतम से पहले पैदा हुआ था। प्रीतम से पहले पैदा होने के लिए आपके पास 96 और 95 है। अगर 95 में सुमित पैदा होगा तो सुषमा तो बाद में आएंगी फिर कहीं ना कहीं। अगर 95 में आप देखेंगे सुमित पैदा होगा तो सुमित सबसे बड़ा हुआ, फिर वह सुषमा के बाद आ कैसे पाएगा? तो अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगानी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सुमित रहा होगा, ठीक है? तो ये प्रीतम से जस्ट पहले पैदा हो गया और सुषमा यहाँ कहीं रही होंगी, तभी हम बोलेंगे देखिए सुमित जो है प्रीतम से पहले और सुषमा के बाद पैदा हुआ, यानी कि सुषमा 95 में पैदा हुई, सुमित 96 में और प्रीतम 97। इस तरीके से आपको बैठानी पड़ेगी। तो चार वर्षों का तो हिसाब किताब आपको पता है। अब आपको देखना है एक खुशी बच जाती है और कौन बच जाता है, एक राहुल नाम है इस लड़के का, राहुल बच जाता है, दो जन बच जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए दो जन बचे हैं वो इन दो साल में कहीं ना कहीं आएंगे, जबकि आपको क्या दिया है कि राहुल का जन्म एक सम वर्ष में नहीं हुआ। तो देखिए 98 में राहुल जन्म नहीं ले सकता, राहुल को आना इन दो जगह में से ही है क्योंकि बाकी चार जगह तो ले ली गई है। तो अगर राहुल इन दोनों में आना चाह रहा है और 98 एक सम वर्ष है, वहां नहीं आएगा तो राहुल यहाँ आएगा। अगर राहुल यहाँ आ गया तो खुशी यहाँ आएगी। तो अब आपको सबके जन्म पता है, सबकी जन्म तिथि बेसिकली पता है कि कौन से साल में कौन पैदा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया, उसके हिसाब से देखते हैं। किसका वर्ष जन्म 1998 में, 98 में कौन पैदा हुआ है? देखिए 98 सम वर्ष है, इसमें राहुल नहीं हुआ था, तो इसमें कौन पैदा हुई होंगी? खुशी, ऑप्शन नंबर खुशी, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इजी रहती हैं, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए जैसे कि यहाँ पे मिल गई थी आखिर आखिर, तो उसके बाद सब एक दूसरे के लिंक में रहते हैं तो बनाना बड़ा आसान हो जाता है। ये चेक करते हैं और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 10 लोग दो समांतर पंक्तियों में एक और दो में बैठे हैं, ठीक है, दो पंक्तियां हैं और कुल मिला के 10 सीट है, समांतर सीट है, तो 5 ऊपर होंगी 5 नीचे होंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी। अब हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से बैठे हैं, ठीक है। पहली पंक्ति में मान लेते हैं ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, ठीक। पहली पंक्ति में अनुज, बिट्टू, फरहान, सार्थक और राजन, अनुज, बिट्टू, फरहान, सार्थक और राजन, ये सब बैठे हैं, ठीक, लड़कों के नाम लग रहे हैं। दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे, तो पहली पंक्ति ऊपर है, ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि सब नीचे की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब साउथ की तरफ देख रहे हैं तो हमें मालूम है ये हो गया दायां हिस्सा और ये हो गया बायां हिस्सा, यानी कि ये इस पंक्ति का दायां यानी कि राइट हिस्सा होगा और ये इस पंक्ति का लेफ्ट यानी कि बायां हिस्सा होगा, अगर सब नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए पंक्ति दो में डॉली, रेशमा, सना, रेनु और सिमरन, तो नाम लिख लीजिए, नाम बड़े अच्छे हैं, डॉली, रेशमा, सना, रेनु और सिमरन बैठे, ठीक। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि ये सब जो नीचे वाली पंक्ति में बैठे हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि इस तरीके से देख रहे हैं, बात स्पष्ट है। तो ये कहां देख रहे हैं? उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ, तो ये वाला हमारा हिस्सा कौन सा हुआ? लेफ्ट। और ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ? राइट। यानी कि दूसरी पंक्ति में ये हो गया आपका लेफ्ट सिरा और ये हो गया आपका राइट सिरा, यानी कि ये दायां हिस्सा, ये बायां हिस्सा। तो ये बहुत ही इजी चीज है, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नीचे वाले बैठे हुए लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर बैठे हुए लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि दोनों आमने सामने देख रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हम बैठ चुके हैं क्या, देख लीजिए। हाँ जी, प्रत्येक पंक्ति एक का प्रत्येक सदस्य पंक्ति दो के प्रत्येक सदस्य के आमने सामने है, देखिए अवश्य ही ये कॉमन सेंस वाली बात है, अगर वो नीचे देख रहे हैं और ये ऊपर देख रहे हैं तो दोनों आमने सामने देख रहे हैं,
बहरहाल यहाँ तक कोई बहुत खासी जानकारी नहीं थी, जो थी हमने ड्रॉ कर ली। रेशमा पंक्ति के बाएं छोर पर बैठी है, तो रेशमा यानी कि लड़की वाले नाम नीचे की तरफ दिए, देखिए रेशमा पंक्ति के बाएं छोर में यानी कि लेफ्ट तरफ में बैठी है, यहाँ तो रेशमा आ गई, ठीक, आर ई लिख देते हैं, बहुत बढ़िया। उसका मुंह बिट्टू के निकटतम पड़ोसी की ओर है, तो देखिए ये रेशमा का मुंह उस तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, तो यहाँ एक बंदा या बंदी जो भी यहाँ पे ऊपर बैठा होगा वो किसका पड़ोसी है, निकटतम यानी कि उसका इमीडिएट नेबर कौन है, बिट्टू, तो यहाँ पे बिट्टू आया, ठीक है, बिट्टू को आपने बैठा दिया है, रेशमा यहाँ पे बैठ गई है, बहुत बढ़िया, ये अच्छा काम हो गया। उसका मुंह बिट्टू के निकटतम पड़ोसी की ओर है, बिट्टू का निकटतम पड़ोसी कौन होगा, ये इमीडिएट नेबर, ठीक है, तो वो उसकी तरफ देख रही है, बहुत बढ़िया, उसका मुंह बिट्टू के निकटतम पड़ोसी की ओर है। फरहान बिट्टू के बाई ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, अब देखो बिट्टू का बाई ओर, बिट्टू पहली पंक्ति में बैठा है, तो बिट्टू का बायां तरफ किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी फरहान बैठ सकता है, यहाँ 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 कहीं पे भी बैठ सकता है, हमें नहीं मालूम, चलो देखते हैं। बिट्टू के बाएं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है लेकिन पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, बिट्टू का बायां हिस्सा कहाँ है, इस तरफ, तो ये तीन जगह में से ये पंक्ति का आखिर हिस्सा यहाँ नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे यानी फरहान यहाँ या यहाँ में से कहीं दो जगह में बैठ सकता है, ऊपर नाम लिख देता हूँ सो देट हमें पता रहे कि इन दोनों जगह में बैठ सकता है कौन, फरहान, यहाँ तक बात डन। वह व्यक्ति जिसका मुंह फरहान की ओर है रेणु के ठीक बाएं बैठा है, अब अगर फरहान इधर बैठा है तो यहाँ पे आ जाएगा वो व्यक्ति जिसकी तरफ मुंह है, फिर वो रेणु के बाएं की तरफ बैठा है, ठीक है, उसको देख लेंगे पहले, फरहान तो पता चल जाए कहाँ बैठा है, चलो ठीक है, रेणु के ठीक बाएं बैठा है। सार्थक अनुज के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, देखिए सार्थक और अनुज दोनों ऊपर वाली पंक्ति में बैठे हैं, ठीक, अब आप देखिए सार्थक जो है अनुज के दाएं पर तीसरे पे बैठा है, सार्थक अनुज के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, अब अगर यहाँ पे अनुज बैठ जाए मान के चलिए, ठीक है, तो इसके तरफ तीसरा स्थान कौन सा होगा, एक दो तीन, तो यहाँ तो ऑलरेडी बिट्टू बैठा है तो यहाँ सार्थक बैठ नहीं सकता, तो ये हमने गलत सोच रखी कि यहाँ पे अनुज बैठ सकता, यहाँ पे अनुज नहीं बैठेगा, अगर यहाँ अनुज बैठ जाए तो आप देखिए एक दो तीन, तीसरा स्थान यहाँ दाई तरफ यानी कि राइट की तरफ खाली है, तो यहाँ पे आके बैठ सकता है कौन, सार्थक, ठीक है, और अब आप कॉमन सेंस लगाइए, यही जगह होगी जहां अनुज बैठा होगा, क्योंकि अगर अनुज को आप यहां बैठा देंगे तो यहां दाईं तरफ तो दो ही जगह है, तीसरा तो स्थान ही नहीं है, तो कैसे बैठेगा, है ना, तो ये छोटी छोटी जगह होती है जहां पे हमें कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अनुज को यहां बैठना पड़ेगा, अगर अनुज यहां बैठेगा तो फरहान यहां बैठ नहीं सकता है, तो यहां पे फरहान नहीं बैठ सकता, फरहान के लिए फिर यही जगह बचती, यहां फरहान बैठ जाएगा, बहुत बढ़िया। अनुज के तीसरी तरफ दाएं में कौन बैठता है, सार्थक, तो सार्थक भी बैठ गया, सब कोई बैठ गया, सार्थक बैठ गया, फरहान बैठ गया, अनुज बैठ गया, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, राजन, राजन, बहुत बढ़िया। फरहान यहाँ बैठा है तो फरहान के सामने का कुछ यहाँ पे दिया हुआ था, फरहान बैठा है, वह व्यक्ति जिसका मुंह फरहान की ओर है वो रेणु के ठीक बाएं बैठी है, तो देखिए यहाँ रेणु को होना चाहिए, तभी रेणु के बाएं तरफ में वो इंसान बैठा होगा जिसका मुंह फरहान की तरफ है, बहुत बढ़िया। अब नीचे तीन ही चीजें बच गई है, रेणु भी आपने बैठा दी, बहुत बढ़िया। डॉली जो है सना के ठीक दाईं बैठी है, डॉली जो है सना के ठीक दाईं बैठी है, ठीक, अब आप देखिए फिर कहीं ना कहीं जो होगी, डॉली को यहाँ आना चाहिए और सना को यहाँ आना चाहिए, तभी आप बोल पाएंगे देखिए सना के ठीक दाईं तरफ डॉली बैठी है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सना को बैठाते तो उसके ठीक दाईं तरफ डॉली को आप यहाँ बैठाते, जबकि यहाँ तो रेणु पहले से ही बैठी है, तो यहाँ पे सना बैठ नहीं सकती थी, क्लियर है, यहाँ पे सना को बैठाते तो भी बात नहीं बनती, क्यों, क्योंकि इस तरफ दाईं तरफ तो जगह ही नहीं है, तो फिर डॉली कहाँ बैठेगी, तो सना यहाँ बैठेगी, डॉली यहाँ बैठेगी, बहुत बढ़िया, डॉली बैठ गई, सना बैठ गई, अब यहाँ कौन बची, तो ये आपका पूरा व्यवस्थीकरण हो गया, पूरे 10 जन को आपने बैठा दिया है जैसे उन्होंने बैठना चाहिए, बहुत ही शानदार। आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए। सिमरन के आमने सामने कौन है, सिमरन के आमने सामने कौन है, सिमरन के आमने सामने ये बंदा है, ये देखिए राजन, क्या नाम है इसका, राजन नाम, आइए देखिए राजन है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर है। और भी प्रश्न है, देखिए ये बड़ा प्रश्न था फिर भी इससे पूछा गया एक ही सवाल, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है हमारे साथ कई बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये छोटा सवाल दिख रहा है, ठीक है, पर इसके आधार पर क्वेश्चन कितने पूछे गए, एक दो, तो ये मजा आएगा, इससे हमको जल्दी जल्दी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इतनी सी जानकारी सॉल्व कर ली तो ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं हम कम समय में, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में इसी को सुलझाने में ही समय लगता है, प्रश्न बनाने में समय नहीं लगता है,
बस इसको सुलझाने में समय लगता है। ये देखते हैं, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अलग अलग लंबाई के हैं। देखिए लंबाई के इर्द गिर्द आ गया, कभी वजन के इर्द गिर्द प्रश्न आ जाता है। तो यू वी और डब्ल्यू से लंबा है, यू जो है वी और डब्ल्यू से लंबा है, तो यू को यहाँ कहीं रख दीजिए। ये वी और डब्ल्यू दोनों से लंबा है, हमें ये नहीं मालूम ना कि वी और डब्ल्यू में कौन लंबा है, तो इसीलिए अभी हमने यू को ऊपर रखा है। ये दिखाया जा रहा है कि वी और डब्ल्यू से ये दोनों से लंबा है, ठीक। Y जो है Z और U से लंबा है, Y जो है Z और U दोनों से लंबा है, यानी कि U से ऊपर ही आएगा Y, ठीक। Y जो है U और Z दोनों से लंबा है, देखिए Z यहाँ पे भी आ सकता है, Z यहाँ पे भी आ सकता है, Z यहाँ पे भी आ सकता है, Y से कहीं पे भी नीचे आ सकता है, तो हमें ये नहीं पता है कहाँ आएगा, बट Y से कहीं पे भी नीचे जरूर आएगा, ठीक। परंतु X से छोटा है, Y जो है Z और U से तो लंबा है परंतु x से छोटा है, तो देखिए x सबसे ऊपर आ गया, क्यों? क्योंकि y से तो वो लंबा है, y खुद u और z से लंबा है, u खुद v और w से लंबा है, तो x जो है y u z v w पांचों से लंबा है, तो x तो इस खानदान में सबसे लंबा इंसान दिख रहा है, बहुत बढ़िया। केवल दो व्यक्ति z से छोटे हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने, अगर आप यहाँ पे z को बैठा देंगे तो कहीं ना कहीं u v w तीन जन z से छोटे होने लग जाएंगे, तो ये बात खारिज हो जाएगी अपने में, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे Z नहीं बैठ सकता है, तो यहाँ पे कौन बैठा होगा? U बैठा होगा, ठीक है। अब Z को आना है तो Z इधर आ सकता है और V और W उसके नीचे रहेंगे, ठीक है। Z यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि फिर V और W अगर उसके ऊपर है तो इसके नीचे दो जन कहाँ से आएंगे, तो ये हमें कॉमन सेंस लगानी है कि एक्स वाई यू जेड इस तरीके से बैठ चुके हैं, वी और डब्ल्यू दोनों इसके नीचे है, वी छोटा है डब्ल्यू छोटा है वो हमें नहीं मालूम। द्वितीय सर्वाधिक लंबे व्यक्ति की लंबाई 175 सेंटीमीटर, कोई खास बड़ी लंबाई नहीं है, 175 सेंटीमीटर अगर आप बनाओगे तो द्वितीय सबसे लंबा व्यक्ति कौन दिख रहा है? वाई दिख रहा है, सबसे लंबा तो एक्स है, एक्स से जो जस्ट छोटा होगा वो सेकंड नंबर पे सबसे लंबा होगा, तो इसकी लंबाई 175 सेंटीमीटर दे दी गई है, ठीक। लंबाई 175 सेंटीमीटर है, वी सबसे छोटा नहीं है, देखिए वी और डब्ल्यू में से किसी एक को तो सबसे छोटा होना ही था, आखिर में थे, और V अगर सबसे छोटा नहीं है तो कॉमन सेंस है V इधर होगा और W सबसे छोटा होगा, बहुत बढ़िया। तो छह जन इस तरीके से व्यवस्थित हो गए, 3 4 5 6, बहुत शानदार। द्वितीय सबसे लंबे की हाइट 175 है तो बाकियों की 175 से छोटी ही होगी, 175 के बराबर भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ दिया था अलग अलग लंबाई में, एक्स की लंबाई 175 से बड़ी ही होगी। यू से लंबे कितने लोग हैं? यू से लंबे, देखिए यू से लंबे कितने, एक दो जन है, एक्स और जेड, तो दो लोग, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक्स की संभावित लंबाई क्या है? तो देखिए एक्स की लंबाई का तो कुछ दिया हुआ नहीं है, पर यहाँ पे ऑप्शन देखें अगर, तो देखिए आपको ये पता था कि वाई जो है द्वितीय नंबर पे लंबा है और एक्स सबसे लंबा था, है ना, बाकी की पूरी गेम इसके नीचे थी, ये खुद 175 सेंटीमीटर का है तो 175 से तो अधिक ही होगा, यानी कि अगर 175 मार्क्स ला रहा है और सेकंड पे है तो पहले रैंक वाला 175 से ज्यादा लाया होगा, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जो 175 से बड़ा हो सिवाय ऑप्शन ए के, तो ये संभावित, संभावित मतलब पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये तो हो ही सकती है उसकी हाइट, जरूरी नहीं है कि यही होगी उसकी हाइट, ठीक है। संभावना तो बिल्कुल है, संभावना हर एक उस संख्या की है जो 175 से थोड़ी भी बड़ी हो, तो 178 ये हो सकता है, ये मैं फिर से कहूँ संभावना है और संभावना ही पूछेगी, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक बैठता है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनस्पत पहले करें जिससे के आधार पे एक से दो प्रश्न पूछे गए। आइए चेक करते हैं, एक क्वेश्चन और फटाफट लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे वीडियो को क्योंकि जानकारी आपको मिलना जरूरी है, ठीक है, किस तरीके के प्रश्न रहते हैं और कैसे हम उनको बना सकते हैं, चेक करें। पांच विद्यार्थी पी क्यू आर एस टी अलग अलग स्कूलों यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई में पढ़ते हैं, ठीक है, तो पांच तो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, सब स्टूडेंट लोग, पी क्यू आर एस टी, ठीक, पी क्यू आर एस टी ये स्टूडेंट हैं, ये कोई ना कोई स्कूल में पढ़ते हैं, तो इनका दाखिला इनके माता पिताओं ने स्कूलों में करा रखा है, अच्छी बात है। अब ये स्कूल कौन से हो सकते हैं? यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, हमें नहीं मालूम है कौन कौन से स्कूल में जाता है, ठीक, लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये समान क्रम में, सीधी बात है, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाना ही क्या पड़ता। प्रत्येक विद्यार्थी यानी कि हर एक स्टूडेंट
अंग्रेजी, इंग्लिश, विज्ञान, साइंस, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, गणित, यानी कि मैथ्स। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ जहां तक मुझे समझ रहा है। तो ये देखिए, प्रत्येक छात्र कोई ना कोई सब्जेक्ट भी पढ़ता है, तो सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब ये सब्जेक्ट हो कौन से सकते हैं वो देख लीजिए। हिंदी लिखा है क्या? नहीं। इंग्लिश, उसके बाद विज्ञान यानी कि साइंस, उसके बाद इतिहास यानी कि हिस्ट्री, उसके बाद भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, उसके बाद गणित यानी कि मैथ्स। ये पांच सब्जेक्ट कोई ना कोई चुन सकता है। ठीक बात है, देख लेंगे। वैसे सिर्फ एक, तो देखिए पांच जन हैं, पांचों अलग अलग स्कूल में, और पांचों लोगों को एक एक अपना अपना सब्जेक्ट पसंद है। माने कि अगर पी को मैथ्स पसंद है तो क्यू आर एस टी को नहीं पसंद हो सकता, टी को अगर ज्योग्राफी पसंद है तो बाकियों को नहीं होगा। इस तरीके से बात करी जा रही है। कोई भी दो छात्र एक ना स्कूल में है ना कोई एक कॉमन सब्जेक्ट को वो पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया। आर जो है यू में पढ़ता है, आर यानी कि ये यू में पढ़ता है, तो यू अगर हो गया है तो उसको काट दी, आसानी हो। आर जो है यू में पढ़ता है, सब्जेक्ट दिया है क्या? नहीं। क्यू जो है भूगोल पसंद नहीं करता है, क्यू जो है वो भूगोल पसंद नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं आ सकती, भूगोल नहीं आएगी। बाकी इन चार में से क्यू को छोड़ के जो भी पी आर एस टी बची हो वो कोई ना कोई भूगोल पसंद जरूर करता हो। एस को इतिहास पसंद है, एस का है ये रहा, इसको क्या पसंद है? इतिहास। तो इतिहास यहां से निपट गया है, तो इतिहास को काट दीजिए, हिस्ट्री निपट गया है। बहुत बढ़िया। एस का स्कूल भी दिया है क्या? देखिए, एस को इतिहास पसंद है और वह वी में पढ़ता है, एस जो है वह वी में पढ़ता है, यू वी दोनों निपट गए। बहुत बढ़िया। और क्या क्या दिया है? इतिहास पसंद है, वी में पढ़ता है। वाई के विद्यार्थी को विज्ञान पसंद है। अब वाई का विद्यार्थी कैसे पता चलेगा ना, वाई में पढ़ने वाला इनमें से कौन है वो हमें नहीं मालूम। आर और एस तो नहीं हो सकते क्योंकि वो यू और वी में पढ़ रहे हैं, तो पी क्यू टी में से कोई ना कोई एक जन वाई में पढ़ता होगा। ठीक है, और जो वाई में पढ़ता है, वाई स्कूल में जाता है, उसको विज्ञान पसंद है, उसको साइंस पसंद है। तो याद ही अधूरी जानकारी है, यहां बनाने से कोई मतलब नहीं आएगा, ध्यान में रखनी पड़ेगी इस चीज को। ऐसे लिख देते हैं, पता रहेगा। टी को अंग्रेजी पसंद है, देखिए ये अच्छी जानकारी है, टी को अंग्रेजी पसंद है, यानी कि इंग्लिश यहाँ पे आ गया, इंग्लिश को भी निपटा दीजिए, ठीक बन जाएगा। आप तो लग रहा है टी को अंग्रेजी पसंद है, ठीक, परंतु वह ना तो डब्लू ना ही वाई का छात्र है। अब कॉमन सेंस लगाइए, टी को अंग्रेजी तो पसंद है परंतु वो ना वाई स्कूल में जाता है ना वो डब्लू स्कूल में जाता है। देखिए, टी को अंग्रेजी पसंद है कॉमा, परंतु वह ना तो डब्लू ना ही वाई का छात्र है। तो अगर ये W में भी नहीं जा रहा, Y में भी नहीं जा रहा, U और V में तो जा नहीं सकता क्योंकि वहां दो जन ऑलरेडी जा चुके हैं, तो ये कहां जा रहा होगा? X में। ठीक है, क्योंकि U और V निपट गए थे, तो तीन स्कूल बच रहे थे, कौन से? W, X, Y। W और Y में ये जा नहीं रहा है, तो जाएगा कहां? X में। बहुत बढ़िया, X भी निपट गया, बहुत बढ़िया। Q जो है W में पढ़ता है, Q जो है W में पढ़ता है, ठीक है, यानी कि P जो है Y में पढ़ता होगा। Y से जानकारी लिखी हुई थी, Y में जो छात्र जाता है उसको साइंस पसंद है, यहाँ आपने साइंस भी निपटा दिया। बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो तीन सब्जेक्ट भी पता चल गए हैं। यहाँ पे देखिए, एक ये बच गया है डब्लू और एक ये बच गया है। इसको जो क्यू में जाता है और जो मतलब क्यू स्टूडेंट है जो डब्लू स्कूल में जाता है, उसको ज्योग्राफी नहीं पसंद है। ठीक, अब कुल मिला के अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो कौन से बच गए? ज्योग्राफी और मैथ्स। तो कॉमन सेंस लगाएंगे अगर हम, तो ज्योग्राफी और मैथ्स दो ही सब्जेक्ट बचे हैं जो दोनों यहाँ पे आएंगे। यहाँ ज्योग्राफी आ नहीं सकता, तो यहाँ किसको आना पड़ेगा? मैथ्स को आना पड़ेगा, और ज्योग्राफी फिर इकलौती जगह जो बचेगी यहाँ आएगा। तो खुद सारी चीजें अब अरेंज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, क्यू डब्ल्यू में पढ़ता है, बहुत बढ़िया। अब आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी को गणित पसंद? गणित किसको पसंद है भैया? गणित पसंद है इसको, गणित पसंद है डब्लू में जाने वाले क्यू। ठीक है, डब्लू में जाने वाले क्यू। देखिए, विद्यार्थी पूछा है तो W तो स्कूल का नाम है, विद्यार्थी अगर पूछा है तो W तो स्कूल का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये टू लिखा गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये क्यू रहना चाहिए, ये क्यू रहना चाहिए। ठीक है, क्यू को उसका टाइप मिस्टेक टू लिखा गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बट क्यू ही वो इंसान होगा, वो विद्यार्थी होगा जो मैथ्स को पसंद करता है। बेशक अगर हमसे स्कूल पूछा जाता तो हम W बोलते कि W स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को गणित पसंद है, परंतु यहाँ पे विद्यार्थी पूछा गया तो क्यों आंसर होना चाहिए। ठीक है, वो टू टाइप हो गया होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे कि तीन चार चार क्वेश्चन बनाए जो कि अभी हमारे सीजीपीएससी सी सेट में ही पूछे गए क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आगे भी एक सेशन इसका लेके आऊंगा जहां पे हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और भी देखेंगे, तीन चार पांच अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। 2022 का एक सेट और बचा है जिसको लेके आऊंगा मैं, 2021 के तीन चार अच्छे सेट हैं जिसको हमें करना है। तो इस तरीके से हम तैयारी आगे की करते रहेंगे। बेशक अगर आपको कोई डाउट हो इसी सेशन में, आपको कुछ लगे, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको फिर अगले सेशन में हम सॉल्व करा देंगे।